साल बाद पहले भगवान राम अयोध्या लौटे थे और अब 500 साल बाद भगवान राम का स्वरूप भगवान राम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 500 साल बाद। तो ये पहले से जो हम दिवाली मनाते हैं उससे भी बड़ी दिवाली जो अब की बार 22 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी उद्देश्य के साथ कि हर व्यक्ति भगवान राम से जुड़ सके, हर व्यक्ति अयोध्या में जो मंदिर है उसके स्वरूप के दर्शन कर सके, उसका रेप्लिका यहाँ बनाया गया है। इसी भावना के साथ जो भी भगत यहाँ आ रहे हैं, पंडित जी की यहाँ व्यवस्था है, उनको तिलक लगाया जाता है और लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। 108 क्विंटल लड्डू यहाँ लगभग चंडीगढ़ में बांटे जाएंगे, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में पहुँचाने का प्रयास है, क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर व्यक्ति का मुँह मीठा हो सके, इस भावना के साथ लड्डू बांटे जा रहे हैं। हर व्यक्ति को जो यहाँ आ रहा है 34 सेक्टर में मंदिर में, इसके झंडा दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर के ऊपर भगवान राम का भगवा झंडा लहरा सके। इसी की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति का यहाँ पर जो राम से जुड़ने का प्रयास है वो और भावना उनकी बने। श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट द्वारा यहाँ 3 दिन की अपने अपने राम कथा कराई गई थी। इस कथा के दौरान हमने हूबहू मंदिर रेप्लिका यहाँ बनाई थी, तो लोगों में उत्साह को देखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि 22 तारीख तक इस मंदिर को यहाँ रखा जाए और लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकें और भगवान का प्रसाद ले सकें। कितने दिन तक रहेगा ये? 22 तारीख तक रहेगा, तो यहाँ पर लोगों को झंडे बांटे जाएंगे, भगवा झंडे दिए जाएंगे और लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा।